गुरुवार दोपहर माधवनगर अस्पताल में हंगामा हो गया। भाजपा नेता की मौत के बाद शव लेने पहुंचे परिजन और समर्थकों ने अपर कलेक्टर पर पथराव कर दिया। भागकर अपर कलेक्टर को जान बचानी पड़ी। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस से भी हाथापाई और धक्का मुक्की की। मृतक के परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से युवक की जान गई। उसने रात में ही ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी दे दी थी। सुबह उसकी मौत की खबर आ गई। भाजपा नेता जितेंद्र शेरे की माधवनगर अस्पताल में मौत हो गई है। वह कोरोना पॉजिटिव थे। हालत बिगड़ने पर उन्हें माधवनगर अस्पताल में भर्ती किया गया था। बुधवार रात 11:34 पर जितेंद्र ने तूफान मालवीय निमनवासा व्हाट्सएप ग्रुप में अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने और मरीजों के परेशान होने का मैसेज डाला था। गुरुवार सुबह अस्पताल में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक जितेंद्र शेरे भी था। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की जान गई। मृतकों की हालत में सुधार हो रहा था, ऐसे में अचानक मौत का सवाल ही नहीं उठता। इधर सुबह जब शव को लेने के लिए पहुंचे तो एम्बुलेंस भी कई घंटे बाद आई, जिसके चलते अस्पताल में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी। जिसकी सूचना पर अपर कलेक्टर सुजान सिंह रावत मौके पर पहुंचे। विवाद बढ़ने पर आक्रोशित भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपर कलेक्टर को भागकर जान बचाना पड़ी। कलेक्टर की तरफ बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला, जिनसे युवकों ने हाथापाई की। मौके पर पहुंची माधवनगर पुलिस के SI से भी धक्का मुक्की की गई। मामले में माधवनगर थाना पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। देखिए, एक यहाँ पर अभी डेथ हुई है लगभग 1:30-2 बजे के लगभग में, वो जितेंद्र करके हैं। उनके शव को ले जाने के लिए चूँकि लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और शायद कुछ उद्वेलित थे, उसके लिए इन लोगों ने, जैसा अभी बता रहे हैं क्योंकि मैं ऑफिस के रूम में बैठा हुआ था, तो इन लोगों ने कुछ पत्थर उत्थर फेंके हैं यहाँ पर उसमें, और थोड़ा सा हंगामा भी किया है। पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, उनको नियंत्रित कर लिया गया है और जो उनका शव है उनको हम लोगों ने तत्काल यहाँ से हमने भिजवा चुके हैं उनके परिजनों के साथ में। देखिए, ये जो आपके पास सूचना है पहले दृष्टि में तो गलत है कि किसी की ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हुई है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई डेथ नहीं हुई है, पहली बात तो ये स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात, जो आप ये देख रहे हैं अभी कुछ जो डेथ हुई थी मिस्टर शेरे की, उसको लेके कुछ परिवारजनों में और कुछ लोगों में आक्रोश था, जिसके कारण एक छोटी सी यहाँ पे घटना घटी थी, जिसका मौके पे आके हमने पदाक्षेप किया है और जो भी दोषी होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। देखिए, बताई जा रही है, आप लोगों के माध्यम से बताई जा रही है, अभी इसकी कोई अभी सूचना हम लोगों के पास तो नहीं है कि 14 लोगों की डेथ हुई है यहाँ पे। एक डेथ जो हुई थी वो नेचुरल है, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज माधवनगर हॉस्पिटल में एक जो यहाँ पेशेंट थे, मरीज थे, उनकी डेथ हो गई थी। उसको लेकर जो कुछ परिजन यहाँ आए थे, उसी में कोई एम्बुलेंस में देरी होने के कारण परिजन आक्रोशित हो गए और यहाँ उन्होंने उस पर हॉस्पिटल में पत्थर फेंके, और जो यहाँ पे बल तैनात था उनके साथ भी झूमाझट की ऐसी स्थिति बनी। पुलिस इस पूरे मामले में एक FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। सर, नोडल अधिकारी के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की है, इसमें पूरा जो मामला है इसमें, चूँकि ये अभी इस महामारी में सभी लोगों को बहुत संयम की भी आवश्यकता है, अगर इस प्रकार की कोई बात है तो इसमें पुलिस ने पूरी मामले को संज्ञान में लिया और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अपनों की मौत से जहां परिजन बदहवास होकर आपा खो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हर रोज कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा आमजन की नींद उड़ा रहा है। बुधवार रात से गुरुवार शाम तक 15 कोरोना और कोरोना संदिग्ध मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 8 मौतें केवल RD गाड़ी अस्पताल से हुई हैं, जबकि 3 संक्रमित मरीजों ने माधवनगर अस्पताल में दम तोड़ा है। 2 साहर्ष, 1 चैरिटेबल और 2 मौतें अमलतास हॉस्पिटल में हुई हैं। यह आंकड़ा वाकई डराने वाला है, क्योंकि शहर में 2 दिन पहले तक जहां हर 2 घंटे में कोरोना या कोरोना संदिग्ध मरीजों की जान जा रही थी, वह आंकड़ा अब 1.5 घंटे पर पहुंच गया है। पिछले 8 दिन में 87 कोरोना संक्रमित या संदिग्ध मरीजों का अंतिम संस्कार किया गया है, जिसका रिकॉर्ड फायर ब्रिगेड के ऑफिस में दर्ज है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से जिले में फैल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों की जान बचाना तक मुश्किल हो रहा है। शहर के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। 100 बेड की क्षमता वाले माधवनगर अस्पताल में 130 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं।
इसके बाद चैरिटेबल संजीवनी पाटीदार CHL JK सहित शहर के अन्य प्रमुख हॉस्पिटल में सभी आरक्षित बेड फुल हैं। कोरोना के इलाज में कारगर माने जाने वाले इंजेक्शन की पूरे प्रदेश में किल्लत है। अन्य बीमारियों के मरीजों को इलाज तक नसीब नहीं हो रहा है, जिस वजह से भी अन्य बीमारियों से ग्रसित गंभीर मरीजों को जान गंवाना पड़ रही है। इसलिए अभेनियस कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वाले लोगों से सतर्कता अपनाने की सलाह देता है। कोरोना से बचाव के लिए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना सहित अन्य सावधानियां बरतने की अपील करता है।